हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया भारद्वाज और आज मैं आपको पर्वतीय नगर और उनके राज्य के बारे में पढ़ाऊंगी विथ ट्रिक्स। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये वीडियो पूरी याद होती चली जाएगी। पहला है सोलन। पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे हम याद करेंगे, सोलन को सोल से याद किया। हिमाचल प्रदेश में बहुत ठंड होती है तो सॉली हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत ठंड थी। नेक्स्ट है लैंसडाउन, उत्तराखंड में स्थित है। लैंसडाउन को हम याद करेंगे, मोस्टली हम देखते हैं उत्तराखंड में हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके आंखों के चश्मे होते हैं हरा हरा देख के लैंसडाउन हो गए। नेक्स्ट है मसूरी, उत्तराखंड में मशहूर है भगवानों के लिए उत्तराखंड। नेक्स्ट है रानीखेत, उत्तराखंड में रानी भी खेतों में आ गई उत्तराखंड के, क्योंकि उसको हरियाली बहुत पसंद आई उत्तराखंड की। नेक्स्ट है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। जब हम उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ मोड़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको अल्मोड़ा को मोड़ से याद हो गया। अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में झीलें बहुत हैं, तो नन्ही सी बच्ची ताल पे उत्तराखंड में नहा रही। नेक्स्ट है भोबाली, उत्तराखंड में। भोबाली उत्तराखंड में है, इसे हम याद करेंगे। भोबाली को भुआ भी ली। उत्तराखंड को ईश्वरीय नगरी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो इसलिए बुआ जी को भी दर्शन करने थे तो उनको भी ले लिया, बुआ भी ली। वो भोवाली उत्तराखंड में। नेक्स्ट पेरियार, पर्वतीय नगर केरल में स्थित है, इसे याद करेंगे। परसो यार या प्लीज यार, करेले की सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो मैंने उसे खाया। नेक्स्ट है मन्नार, पर्वतीय नगर केरल में स्थित है, तो इसे याद किया, मैंने नहाने के बाद करेले की सब्जी खाई, मन्नार। ओके, या फिर इसको अदर ट्रिक से लिंक कर सकते हैं, मन और खाने को हुआ करेले का, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड है। नेक्स्ट है मंडी, हिमाचल प्रदेश में। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, इसे याद करेंगे, मुक्ति का ईश्वर धाम है उत्तराखंड।